हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज पापड़ और बूंदी की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पापड़ और बूंदी की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो पापड़। कोई से भी पापड़ ले सकते हो आप। 1/4 कप बूंदी ली है, 1/4 कप दही का लिया है, इसे मैंने पतला कर लिया है पानी डाल के। 1 हरी मिर्ची। अब हम पापड़ के पीस कर लेंगे। सबसे पहले तो इनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों को एक साथ ही। पीस छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इनके पीस इस तरह से कर लेंगे। ये हमने पीस कर लिए हैं। अब कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। आप घी में भी बना सकते हो, ऑयल में भी बना सकते हो। 2 टेबल स्पून करीबन ऑयल डाल देंगे। अब इसे गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है। अब सबसे पहले राई डाल देंगे। 1/4 चम्मच राई और 1/4 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब पानी डाल देंगे 1/2 गिलास करीबन। अब इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया और मिक्स कर लेंगे। गैस फुल कर देंगे और ये दही डाल देंगे इसमें और इसे अब कंटिन्यू चलाएंगे। जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। उबाल आ गया है। अब इसमें नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और ये पापड़ डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। गैस फुल कर देते हैं क्योंकि बूंदी डालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी और इसमें 1 उबाल आने देंगे। उबाल आ गया है। अब इसमें बूंदी डाल देंगे और हरी मिर्ची भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो गए हैं। गैस सिम कर देंगे और हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये हमारी पापड़ और बूंदी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।